हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं ए बी भाई जी। दोस्तों आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। आजकल आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर हैं और उसी हवाले से एक वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब जी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया सेलिब्रेटेड होली विथ वर्ल्ड लीडर, ब्यूटीफुल सीन फॉर ऑल अवर इंडिया। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन, उम्मीद करता हूँ आपने आज अच्छे से होली मनाई होगी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि होली जो अपने आप पे इंडिया का एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग नामों से हम होली को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिव स्पिरिट सेम रहता है, खुशियाँ सेम रहती है। और इस फेस्टिवल को ना हमने फॉरेन पॉलिसी में भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब एक बार जरा ये तस्वीर देखिए, ये आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत में, और ये भी खुल के आज के समय होली की जो फेस्टिविटीज़ है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं इनकी, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। इन वीडियोस को देखकर डेफिनेटली आप भी स्माइल करेंगे कि हमारा इंडियन कल्चर हम फॉरनर्स के सामने, फॉरेन लीडर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। फूल निछावर करें, फूलों की पत्तियां। अब ये होती है एक कॉन्फिडेंट कंट्री की निशानी, जो अपने कल्चर पे, अपने फेस्टिवल्स पर उसको बिल्कुल प्राउड फील होता है कि दिस इज अस, ये हमारी खुशियां हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने इस तरीके से, ये बाय द वे ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, मारी गोल्ड जो फ्लावर्स होते हैं उससे कम्प्लीटली ये कवर्ड हैं। उसके अलावा जो इनका भव्य वेलकम हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन पीएम का जो मोटर गेट था जो गुजर रहा था इस तरीके से, उनको ये दृश्य दिखा गुजरात में, ये सब देख करना ऑस्ट्रेलिया के जो जर्नलिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि क्या स्पेक्टैकुलर वेलकम किया है इंडियंस ने हमारे प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी का। और ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक सीमित रही। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए की जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजिशन होती है यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। आप कह लीजिए ऑलमोस्ट वित्त मंत्री तो नहीं कहूँगा मैं, मगर आप कह लीजिए कॉमर्स मिनिस्टर या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर आप इनको कह सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट आपको ये मिलेगी। मिस जी आर यमोंडो ये भारत में आई थी, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से इन्होंने भारत में होली की सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया है। एंड ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो गई थी। राजनाथ सिंह जी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं होली ये यूएसए की कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ। सो इट्स ग्रेट टू सी। और इन सेलिब्रेशंस में बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये भी शामिल थे, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, किरेन रिजिजू हो, यहाँ पे आप देख पाओगे कई और मिनिस्टर्स हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है कि ओवरऑल जब यूएसए की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल भारत में आती है तो हम अपने कल्चर, अपनी फेस्टिविटीज़ में उनको वेलकम करते हैं। और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पर भी फैलता है। भारत में बहुत सारे जो राजदूत हैं, स्वीडन के, फिनलैंड के, स्पेन, दुनिया भर के जो राजदूत आज के समय भारत में हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीके से होली के सेलिब्रेशन में पार्ट लिया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्वीडिश एम्बेसी है भारत में उनकी ये फ़ोटोज़ है, इन्होंने भी होली मनाई। उसके अलावा जो इसराइल के राजदूत है भारत में उन्होंने भी ये फ़ोटो पोस्ट करी कि देखिए मैंने होली सेलिब्रेट करी है। और जो सऊदी अरेबिया के राजदूत है भारत में उन्होंने ये पोस्टर यहाँ पर शेयर किया कि विशेज़ हैप्पी होली। और ऑस्ट्रेलियन पीएम की विज़िट पर अगर हम वापस आएँ तो ये विज़िट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब इंडिया ने एशिया से बाहर एक विकसित देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इट वॉज हिस्टोरिक फॉर इंडिया। अब मगर ये जो ECTA है, ECTA की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये अपने आप पे ना एक इंटरिम ट्रेड पैक्ट है। जी हाँ, इंटरिम ट्रेड पैक्ट मतलब कि ये टेम्परेरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये अप्रूव हो चुका है और अब ऑस्ट्रेलियन पीएम और इंडियन पीएम बहुत ही जल्द एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे, जिसको कहा जाएगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। तो ये देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोनों कंट्रीज का ट्रेड बताया जा रहा है बहुत ही जल्द कुछ ही सालों में 70 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर लेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और सिंस ओकेजन इतनी स्पेशल है ना, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम जब भारत में आए हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जो क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं। और अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका चौथा टेस्ट मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। उस स्टेडियम में ना जो कॉइन टॉस है वो भारत के पीएम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी यहाँ पर मौजूद होंगे, इंडियन पीएम भी होंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में। और कुछ रिपोर्ट्स वैसे ये भी आ रही थी कि सिंस दोनों कंट्रीज के पीएम यहाँ पर होंगे ना, तो इस बार पिच भी बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी, काफ़ी एक न्यूट्रल एक इवन पिच बनाई जाएगी जहाँ पर पेस बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को हेल्प मिले। और इस सब के अलावा एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म ये बनाया जाएगा जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की जो डिग्रीज हैं ये रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीसी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स भारत में पढ़ते हैं उनके पास डिग्री है वो डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी की जाएगी रिकॉग्नाइज, ताकि इंडियंस आराम से ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर पाए। अब वैसे मैं सोच रहा बैठ कर के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दो ऐसे देश जिनके रिलेशंस आज से 10 साल पहले आप देखो तो कुछ खास डेवलप थे नहीं, दोनों के रिलेशंस काफ़ी कोल्ड थे, मगर पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने इतनी तरक्की करी है कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एक परमानेंट एफटीए की बात चल रही है जो साइन हो ही जाएगा कुछ टाइम में, और अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रिकॉग्नाइज की जा रही है। वेयर एज रशिया कितना पीछे रह गया, रशिया डिफेंस सप्लायर का डिफेंस सप्लायर रह गया, डिफेंस सप्लायर के बिना आप कह लीजिए ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया हमको, मगर उस सब के अलावा रशिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया। रशिया इंडिया की जो डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा अभी भी। और मोस्ट रिसेंटली रशिया ने एक कदम ये चला है कि इंडियंस के लिए जो वीज़ा रिजीम है ये सिंप्लीफाई कर दी है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये ऐसा नहीं किया, सिर्फ जो रशिया की बहुत स्पेशल फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये इन्होंने स्पेशल काम किया है। तो अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं। बस आई थिंक कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा बैलेंस के लिए ना, अगर रशिया के साथ भी हम इन द फ्यूचर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और भी एग्रीमेंट साइन करते हैं रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए, इससे हम प्रॉपर बैलेंस रख पाएंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊँ किस पर ना बनाऊँ मैं डिसाइड नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊँगा कि ये टॉपिक्स हैं इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस दिन में 3 वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज़ करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज़ करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जी, ये भी भाई आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो पहुँच चुके हैं इंडिया और उन्होंने सेलिब्रेट किया है होली को, और होली में जो है आप ये देखें कि कितने ज़्यादा तादाद में जो है ना फूल उनके ऊपर जो फेंके गए और उनका जो खैर मकदम किया यानी कि जो उनका इस्तकबाल किया है, जो स्वागत किया है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में किया है। सबसे बड़ी बात ये कि गुजरात में ये तकरीब थी और हाँ। गुजरात वैसे ही कलरफुल है हाँ। क्योंकि वहाँ का कल्चर और वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं पुराने जी जी। वो एक नादर चीज़ें वहाँ पर दस्तियाब हैं, बहुत ऐसे ऐसे डिज़ाइनिंग में आप देखोगे गुजरात को। और फिर होली का कलर
जब इस होली के मौके पर सज जाए गुजरात तो खुशबुओं के साथ रंगों की बहार भी आ जाती है। अच्छा, उसके साथ जो है अमेरिका के स्टेट मिनिस्टर भी जो है वो स्टेट सेक्रेटरी वो भी जो है ना पहुंची हुई हैं और उन्होंने भी कॉमर्स सेक्रेटरी हाँ इनके तिजारत के सेक्रेटरी जी जी वो भी उन्होंने भी जो है ना उन्होंने भी अलग जो है ना एक जहाँ पर सेलिब्रेट किया और फिर फॉरनर आके जो बड़ा खुश होते हैं डांस बड़ा प्यारा गया और बेबाक डांस यानी कि उससे ये जाहिर होता है अपनायती कि वो अपना समझ के अपनायती हम किसी कंट्री में नहीं बल्कि अपने कंट्री में। इसमें जो है ये है कि इसमें होली में जो है जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं या ये सेलिब्रेशन मनाते हैं तो वहाँ पर सब लोग मिल के जो है एक जगह पर जो है ना वो सेलिब्रेशन होती है और वहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं है। अच्छा, मेरे साथ भी एक वाकया हुआ कल जी। मैं इनवाइटेड था, एक राजेश भाई हमारे मेरठी हैं जी जी, तो उनके घर में फंक्शन था होली का, मुझे कहा कि आप आ जाएं, तो मैं भी चले गया जी जी। तो वहाँ जब रंग लगाने की जो होते हैं ना, ये तो हर एक दूसरे को लगाते हैं हाँ हाँ, तो कलर लगाने के लिए एक नई दुल्हन जैसा कि इस साल जिसकी शादी हो वो फेरा लगाने आती है जी जी होली के मौके पर हाँ हाँ, खास तौर पर हाँ। तो बेचारी लगा रही थी अपने देवर को और दूसरा देवर बराबर में था, किसी ने बुला लिया चले गया। अच्छा, उसकी जगह मैं खड़ा होकर देख रहा था कि मैं किस तरह लगा रहा है कलर हाँ। तो ऐसे ही वो कलर लेके मेरे चेहरे पे लगा दिया हाँ। लगाने लग गई तो मैं हैरान हो गया, जबरदस्त। मैंने कहा यार गलती से लगाई कि शर्मिंदा ना हो, तो किसी ने उसको अपनी जबान में मारवाड़ी जबान में कहा कि तुमने किसको लगाया देखो तो सही। उसने जरा घूंघट यूं किया, मुझे देखे एकदम घूंघट में थी माना दुल्हन बनी हुई थी, वो होता है देवर वगैरह से वो जी जी हाँ पर्दा करते हैं ना बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारी बहन हो हाँ, अगर आपने भाई को लगाया थोड़ा और लगा दो ताकि मेरा दिल खुश हो हाँ, हाँ, कि हम आपके सेलिब्रेशन में आए हुए हैं और खुशी होगी हमें। तो ये वो मौका है जहाँ पर कोई मजहब और जात से 12 तरह के लोग शिरकत करते हैं हाँ, इनके काफी सारे लोग जो है दोस्त अहबाब भी जो आ जाते हैं, बुलाया गया, इज्जत दी उन्होंने। मैं समझता हूँ अभी भाई कि फॉरनर जो है स्पेशली आते हैं और वहाँ पर जो है सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर भी अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है तो इसमें मैं इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना इसको जो है ना अपनी उसमें ले लिया है कि भाई हम जो है ना जब भी कभी होली आएगी तो उस त्यौहार पर भी हम जो है ना इनको रक्षाबंधन में भी जो है ना काफी सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं और इसमें भी होली में भी इन्वाइट किया जाता है। क्यों उसमें ये कि डबल काम हो जाता है, एक तो ये कि कोई आता है तो कल्चर को देख लेते हैं कि भाई इनका कल्चर किस तरह का, राजस्थान का कल्चर वैसे ही मशहूर है। अच्छा, वो इस बात पे खुश हुए कि जब उन्होंने जो इनको जो है स्वागत किया और वहाँ पर जो लोग जो है रक्स कर रहे थे तो उस पर भी जो है ना वो खुश हुए वहाँ के जो मिनिस्टर। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जो है बाहर मुल्क के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वज़ीर आज़म हैं वो विजिट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो अभी हाल ही में जो FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जापान भी आने वाले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन हुआ है, जापान को भी आना हाँ, जापान आएंगे इस महीने के आखिर में। और हो सकता है कि अब जो ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं ये भी तो कोई ना कोई डिस्कशन होगी उस पर, काफ़ी सारी सुनने में आ रही है कि भाई एजुकेशन को जो है वो जो है वहाँ की डिग्री को रिकग्नाइज कर रहे हैं एक दूसरे की कि भाई अगर इंडियन जो है ना वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्क करना चाहें तो उनकी वो है अपना जो एजुकेशन है उसको जो है रिकग्नाइज कर रहे हैं कि भाई हम मानेंगे आपकी डिग्री और यहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा मुल्क और यूरोपियन कंट्री जो है इंडिया के स्टूडेंट को जो है ना जॉब्स जो है ना ऑफर कर रहा है कि वहाँ पर आके आप जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलियन जो है ना यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत मैच भी हो रहा है। अच्छा, मैच भी टीमें आई हुई हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हो रहा है। अच्छा अभी भाई, अभी मैच तो हो रहा है इंडियन और ऑस्ट्रेलिया का, बताएं कि मैच होगा तो उसका फैसला क्या होगा क्योंकि पिच अब जो दोबारा से बनाई जा रही है और जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आपको पता है वो भी मंजीवी और भाई मैं देखो इंडियन टीम भी जो है ना इस टाइम पर जो है ना फुल फॉर्म में अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है हाँ। मगर मैं ये कहता हूँ जो भी जीते देखने वाले हम देखेंगे हाँ। कौन जीतता है बिल्कुल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, हार जीत तो होती है लेकिन दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं और एक बड़ा मजा आएगा उस मैच में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे होंगे और उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा तो उस पर देखेंगे क्या होगा। बहरहाल अभी ये बहुत बड़ी बात है कि ये छोटी मोटी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा और वो भी होली फिर क्रिकेट मैच
ठीक है ना, काफी सारी चीजें मैच कर रही है ना कि भाई एजुकेशन को भी जो उन्होंने प्रमोट, मैं तो ये कहूंगा एक टिकट में, एक टिकट में कई मजे लिए जा रहे हैं, काफी सारे इनके साथ डेलीगेट्स आए होंगे, वो भी जो ना अपना जो है जो ये फिलेटेड एग्रीमेंट मुख्तलिफ शोबों के उस हवाले से भी जो ना इनकी जो है कुछ बात होंगी कि भाई हम यहाँ पे कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई जो है फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कुछ बातें होंगी, तो वो वक्ता फ़वक्ता जो है पता लगता रहेगा। लेकिन इस टाइम तो ये है कि 20 से ज़ायद मुमालिक के जो सरबराहान हैं वो यहाँ पर आकर जो ना कुछ चले गए, कुछ हैं मौजूद हैं, तो मीटिंगें जा रहे हैं, मीटिंगें भी होली को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और घूम रहे हैं फिर रहे हैं। वहाँ का कल्चर आपने देखा था एक वीडियो में, जो एक जो है वो अमेरिकन USA के थे, वो भी मिनिस्टर थे, उन्होंने रक्षे में सफ़र कर रहे थे, रक्षे में वहाँ की जब वहाँ की जो एम्बेसी है, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, हाँ अच्छा, वो जो है उन्होंने जो वहाँ की इंडिया की जो एम्बेसडर हैं तो वहाँ एम्बेसी वालों ने जो उनको प्रोटोकॉल दिया था कि रक्षों में ही जो है ना उसको सफर किया। अच्छा, रक्षों जितने भी लोग आए थे सब रक्षों में रक्षों की कतार में आए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी स्टेट का एक मिनिस्टर और वो रक्षे में बैठ के सफ़र कर रहा है, और जो सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम थे और तमाम तर चीज़ें जो है वो हम हर फिरके के लोगों के साथ जो है उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है होली के हवाले से, ये पूरी इंडिया में मनाया जाता है और राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम है कि राजस्थान में भी मनाया जाता है और पूरी गुजरात, अब तो गुजरात का, हाँ तो गुजरात की वीडियो देख रहे थे जी और गुजरात की तो बात ही और है। हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और आप अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर आगे करिएगा, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं या कोई कहीं और पर जो है ना इस तरह की होली सेलिब्रेट की हुई हो जहाँ पर कि आपको पता हो कि भाई बहुत अच्छा मुनफरद अंदाज में जो है ना जदीद जिद्दत के साथ और हल्ला गल्ला वाली जो है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत क्राउड, हाँ बिल्कुल बड़ा जबरदस्त म्यूजिक हो, रंगों की बहार हो, रंगों की बारिशें हो जी, ऐसे वीडियो एक दूसरे को लगा रहे हो कलर, हाँ तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो हम भी देखेंगे और आप भी ज़रूर अपने कमेंट से आगे करिएगा और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं जितने भी दोस्त हैं उन सबको हैप्पी दिवाली और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 11 तारीख को हम जा रहे हैं खुद होली का, यहाँ होली में जा रहे हैं, वहाँ पर फंक्शन है बनाएंगे, बहुत बड़े पार्क में हो रहा है जी, और उस पार्क में बहुत लोग आएंगे और जगह भी स्पेस भी बहुत है और मुख्तलिफ वैरायटियां होंगी वहाँ पर, झूले भी होंगे, अच्छा इंडियन फूड भी होगा, मज़ा आएगा, डीजे जो है म्यूजिक होगा, डीजे भी होगा और फिर राजा विजय चौहान की दावत है और हम बेचारा मुझे एक और 15 दिन से पहले कहा कि 11 को आना है भाई, मैंने कहा मैं आऊँगा भाई, फ़ोन करके जो बार बार भाई हमें बुलाया आना है आने, तो ये उनकी एक चाहत है, एक मोहब्बत है हमारे लिए, एक एहसास की बात है कि कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो बनाएं और आपको रिएक्शन में भी दिखाएं। जी हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें, फिर किसी और वीडियो में हम मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।